जैसलमेर में इन दिनों झोला छाप नीम हकीम डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है। कई बार इनके द्वारा इलाज से मौत होने की घटनाएं होने के बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। फतेहगढ़ कस्बे में आज एक ऐसी ही घटनाक्रम ने आमजन में आक्रोश भर दिया है। मामला जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड का है, जहां 17 वर्षीय किशोर खेवराज जाट को बुखार आने पर उसके परिजनों द्वारा एक निजी क्लिनिक में लाया गया। वहां कार्यरत डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के द्वारा इंजेक्शन लगाने के तत्काल बाद ही उस किशोर की मौत हो गई। नाराज परिजनों द्वारा तुरंत सांगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमे की जानकारी मिलने पर झोला छाप डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रामदेव क्लिनिक पर ताले जड़कर फरार हो गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जैसलमेर लाई है तथा नीम हकीम की तलाश में जुट गई है। मृतक के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना की जानकारी के 2 घंटे तक पुलिस ने मुकदमा तक नहीं दर्ज किया, तब तक झोला छाप को भागने का मौका मिल गया। फिलहाल सांगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सर ये है, कल मेरा भाई फतेहगढ़ हॉस्पिटल रामदेव हॉस्पिटल करके नाम के फतेहगढ़ में एक है, कोई नीम हकीम डॉक्टर है, उसने कोई रामदेव हॉस्पिटल के नाम से कोई हॉस्पिटल खोल रखा है फतेहगढ़ में, और वो मतलब कोई उसके पास डिग्री विग्री कुछ नहीं है और विदाउट ऑथोरिटी के वो क्या है हॉस्पिटल चलाता है और लोगों का इलाज करता है। तो कल सुबह मेरा भाई आया था हॉस्पिटल, बुखार आया हुआ था और इंजेक्शन लगवाने के लिए, जैसे ही इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया क्लिनिक में और तुरंत बाद 10 मिनट हॉस्पिटल परिसर में ही बालक की मतलब मृत्यु हो गई। और हॉस्पिटल के ओनर जो संचालक है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी मोडा करके है, तहसील फतेहगढ़ के, जो यहीं की रेजिडेंशियल है, और उनको मैंने पूछा, बाद में मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैंने इंजेक्शन एक लगाया है और इंजेक्शन लगाने पर होश आ गया और होश आने के बाद मैंने उनको फ्री कर दिया, जबकि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद इनकी हॉस्पिटल परिसर में मृत्यु हो गई। और बाद में दोबारा मैं फिर गया, मैंने CMHO से बात की और CMHO उनका आप रिसिप्ट और रिपोर्ट कलेक्ट करो और बाद में आगे कार्रवाई करते हैं। तो मैं रिपोर्ट और वो रिसिप्ट लाने के लिए गया तो हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी मोडा ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और मैंने इलाज कुछ नहीं किया, न ट्रीटमेंट कोई किया, अगर ट्रीटमेंट मैंने किया तो मैं आपको रिसिप्ट दे देता, जबकि उसने मुझे स्पष्ट अक्षरों में मना कर दिया कि मेरे पास रिसिप्ट नहीं है और आपके जो करना है वो कार्रवाई करो। और फिर हम 3 बजे पुलिस थाने सांगढ़ पहुंचे थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्लिनिक का शटर लॉक करके और मेडिकल वगैरह वगैरह सब बंद करके भाग गया, डॉक्टर ने मोबाइल बंद कर दिया। और बाद में हम पुलिस थाना सांगढ़ पहुंचे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए हम 2 घंटे वेट करते रहे पुलिस स्टेशन सांगढ़ में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसके बावजूद हमें शाम को घर भेज दिया। और हमने लिखित में जो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन सांगढ़ को दी है उसमें इन्होंने कुछ फेरबदल करके बाद में कोई रिपोर्ट मर्ग दर्ज करके भेज दिया है। सुबह हमें जैसलमेर भेजा है, शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और हम मोर्चरी के आगे खड़े हैं अभी, और पोस्टमास्टर के लिए मेडिकल बोर्ड से टीम कोई गठित होगी कोई तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई करते हैं, नहीं तो पहले फिर कलेक्टर साहब के पेश होके और SP साहब के पेश होंगे, बाद में जो मुकदमा दर्ज करवाएंगे डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ जो विदाउट ऑथोरिटी के हॉस्पिटल का संचालन करना कर रहा है फतेहगढ़ में, तो इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अगर सर कलेक्टर साहब के पेश होंगे और SP साहब के पेश होंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।